आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो बहुत आनंद अच्छा ही है, बहुत हमको अच्छा। हम तो ये संसार से तो हमको बहुत भय लगता है। अच्छा। हाँ, इसमें हम देख के ना, हम यहाँ रहता हूँ तो यहाँ जान के कुछ कभी बीमार होके जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल ही मन नहीं लगता संसार। महाराज, जैसे इस जंगल में टाटी घाट में क्या समस्या, क्या सुख है यहाँ पर? यहाँ आत्मीय सुख है और दैहिक शरीर से सुख नहीं है। शरीर से तो हम दुबला पतला, हम यहाँ खाने पीने को पहले सूखी रोटी खाते थे, अब तो कुछ आज भी जाता है। बहुत कुछ ठाकुर जी की कृपा होता है, ये सब बताने की भी विशेष को नहीं है, वैसे सब सब बातें तो और घटा बताना भी विशेष कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी हम जिस आधार से जहाँ रहते हैं हम बहुत आनंद से, और हम दो ही चीज़ खाने पी, संसार में कुछ भी नहीं, ये दो ही चीज़ हमको थोड़ा सा वो होता है, हम बिल्कुल अकेले में रहने को मिले और आवाज़ ना आए बाहर से, तो हमको स्वर बैठ, जब भजन हम बैठते हैं हमको स्वर्ग से भी कहीं इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं है, हमको अनुभव होता है इससे सुख कहीं नहीं मिलेगा। कभी कभी मैं भी भागने की कोशिश करूँ लेकिन बच्चे रह गए ना, छोड़ नहीं पाता हूँ क्योंकि जिम्मेदारी आ गई। दो लालियाँ हैं, एक लाला है, सोचता हूँ उनकी शादी करवा के हम दोनों आएंगे। नहीं, ये तो बात ठीक है, ऐसा तो आगे की बात आप ये ना सोचो आगे क्या होगा। अच्छा। हाँ, ये आएंगे, कब क्या होने वाला है कोई समझ में नहीं आता, वर्तमान को देखो आप तो खाली। तो महाराज, जैसे अगर बच्चों को छोड़ के आऊँगा तो पाप नहीं लगेगा मुझे, ये मुझे जानना चाहता हूँ। नहीं, पाप तो इस तरह से अभी आपको आपके हृदय में ऐसा है कि उनके प्रति थोड़ा गृहस्थ आश्रम में ही ढाल है ममता, तो अभी नहीं आ सकते आप, पाप लगेगा। जब पूर्ण वैराग हो जाता है ना तब नहीं लगता है, तब तो दुनिया आग लग जाए। जरऊ जो संपत्ति सुहृद सब सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख हो तो जो रामपदा करे न सहस सहज सहाय। तो यहाँ तो रामायण में तो कहता है जरऊ सु संपत्ति सब सुहृद परिवार, हाँ सब माता पिता खूब नष्ट हो जाए, कोई हम तो चलेंगे वनवास वन में चित्रकूट में राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या से, ये सब गृहस्थ कह रहे हैं। तो जब यहाँ दृष्टांत बहुत है, ये स्वामी रामतीर्थ जी ने छोटे बच्चे को तो छोड़ के आए थे चले थे, और भी ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं आपके राम भक्तमाल आप चरित्र देखेंगे ना, तो सोझा जी राजस्थान के थे, वो भी सोझा जी को एक समय वैराग हुआ, भजन करने का हम भजन करने चलेंगे, दो बच्चे, एक बिल्कुल अभी 9 महीना का जन्म, पहले 9-10 महीना का, साल भर का भी नहीं हुआ था, एक था आज 7-8 साल का बालक, लड़का, दोनों लड़की थी। उनको आया मन में वैराग, घर से छोड़ मैं तो भजन करने जाऊंगा, उनकी पत्नी भी बोला मैं आप जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी साथ चलेंगे, तो कैसे जाएगी क्योंकि ऐसा तुम ये सबको दो छोड़ के जा सकती है तो मैं जाऊंगी। तो अब बड़े वाले लड़के तो छोड़ दिया, वही परिवार और भी है ना घर में, चाचा ताऊ है किनके पास छोड़ दिया, छोटे वाले को तो वो तो कहते छोटे वाले को भी नहीं लेना, वो सोझा जी को पता नहीं कुछ भी, उन्होंने 1 रुपया कुछ नहीं, खाली एक ऐसे साफियाँ चला बांध के बस इतना में चल दिए, उनके देवी जी पे चल दिया, चला तो उन्होंने तो आँचल में ढाक के अंधेरे में चल दिए सवेरे, तो कोई देखेगा तो जाए बोलेगा टोकेगा, और बालक को ऐसे गोद में लेके छिपा, अब क्या करे 9 महीना का लड़का है, कैसे माता का हृदय करेगा कि छोड़ दो, उसको लेके चली बहुत दूर चले गए। तब उन्होंने 2-3 कोस जाने के बाद में उजाला हुआ, तो रुद्राधे में अंधेरे में निकल गए ना गांव से, क्योंकि गांव वाला जाने नहीं रोकेंगे, तुम बच्चे लेके छोड़ के कहाँ जा रहा है तुम, तो जाके थोड़ा विश्राम के लिए कोई पेड़ के नीचे खड़े हुए, देखे तो सोझा जी नाम था, तो देखे तो बालक गोद में एक से लेके चलिए वो तो आ रही है,
अरे तो उनको ठूका, तुम इसको कैसे ले गया ये पुलाने, जब तुम तो कहते सब कुछ छोड़ के आना है, जाना जाना है, हम जाएंगे भजन करने, तो क्या भजन करेगी तुम, राजा नहीं जाओ तुम, हमें ये के लिए चलेंगे। उतना देर में वो बोला ठीक है तो हाँ, आप कहते हैं तो मैं यहीं छोड़ दूंगी। वो उसी चबूतरा में छोड़ दिया बालक को। ये आगे चले तो कितना है, कैसा देर वो है, भगवान पर कितना भरोसा है उनको। चल दिए बहुत दूर गांव, 10 बज गया 11 12 बज गया, किसी ने भोजन के लिए पूछा नहीं। जब तक हमारे पास कुछ नहीं है ना, हम भगवान के भरोसे रहेंगे तो कदम कदम पर पूछेगा भगवान के भक्तों को भोजन के लिए, कहीं कमी नहीं रहता। आज पूछा नहीं, वो पहले के पंडित थे तो सो जाए, तो उन्होंने सोचा क्या बात है, आज कोई पूछ भी नहीं रहा कोई भी, भोजन कितना समय हो गया, भूख भी लगा, खा पाने पीने का समय कोई नहीं, भिक्षा के लिए कोई नहीं पूछ रहा, क्या बात, तुम कुछ गड़बड़ है। पूछा उनको देवी, अपनी पत्नी को पूछा, कुछ और भी कुछ रखा है क्या? बोला एक मोहर रखी थी, कहीं रास्ते में खाने पीने के लिए ना मिले तो कहीं वो पानी माता होगी, वो होता ना, तो एक मोहर रखा था, उसा कपड़े बांध के रखी। अरे इसी के कारण तो तुम आज हम भूखे पड़े हैं दिन भर, उसको फेंक दे। वो फेंक दिया कहने से, उनके कहने से। तब थोड़ी दूर जाके आओ, कहाँ से आ रहे हैं, देखो साधु साधु ही नहीं है, चलो भोजन किया कि नहीं, चलो चलो भोजन करो। वो लोग बुलाने लग गए, बुला के ले जा रहे, चलो चलो भोजन करो, देखो कहाँ से आए हैं, देखो साधु है साधु नहीं है, हाँ दोनों को उनको साधु साधु कोई साए नहीं, दोनों पति पत्नी तो साधु मानते हैं सब। तब खुशी से उनको ले गए, फिर भोजन कराया, वहाँ रखा, जब चाहे अब तो गांव से निकल ही गए आराम आराम से, अब तो भजन भजन कर रहे हैं भगवान का। पत्नी को बच्चा का चिंता है, सोचा जी को नहीं चिंता है, क्योंकि वो परमात्मा ने जो भेजा है संसार पर वही देख रेख करने वाला वही है। तो उस क्षेत्र वहाँ का राजा का बालक नहीं था, तो बहुत सुंदर बालक वहाँ मिला, उसको किसी ने देखा, चबूतरा में रखा हुआ है, किसी ने कहा ये बात समाचार, कोई बालक छोड़ के गया, कोई बालक छोड़ गया किसी ने। तो राजा ने उसे बोला ले आओ, हमारे पास बालक है ही नहीं, हम ले लेंगे रख लेंगे। वहाँ रखा और उसको अपना राजकुमार बना दिया जो छोड़ा था। गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा टीकाराम दास। और आप गुरु स्थान? यमुनोत्री में है, जहाँ यमुना जी के एकदम उद्गम स्थान है। अच्छा, मतलब आप बचपन से सन्यासी है, गृहस्थ का पालन करके आए आप? हम तो बिल्कुल इसी साथ उस भेष में आए हैं बचपन से, गुरु जी के पास रहे, फिर यहाँ तो अभी 30-35 साल हुआ यहाँ। महाराज जैसे आप जंगल में जो लड्डू खाया वही बता सकता है मीठा है खट्टा है, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो बहुत आनंद अच्छा ही है, बहुत हमको अच्छा, हम तो ये संसार से तो हमको बहुत भय लगता है। अच्छा, हाँ इसमें हम देख के ना, हम यहाँ रहता हूँ तो यहाँ जान के कुछ कभी बीमार होके जाते हैं तो वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल ही मन नहीं लगता संसार। महाराज जैसे इस जंगल में टाटी घाट में क्या समस्या है, क्या सुख है यहाँ पर? यहाँ आत्मीय सुख है और दैहिक शरीर से सुख नहीं है, शरीर से तो हम दुबला पतला, हम यहाँ खाने पीने को पहले सूखी रोटी खाते थे, अब तो कुछ आ भी जाता है यहाँ। हमारे राम शुरू से किसी से मांगते नहीं है, कहीं उस किसी के पास जाते नहीं, यहीं भंडारा हो या पड़ोस पड़ोस हो। हाँ ये मैंने सुना, आप कहीं भंडारे में कहीं मांगने मधुकरी कुछ नहीं करते? हम नहीं जाते हैं, राम जी के भरोसे रहा हूँ, सूखा रूखा मिल जाता है तो वो भेज देते हैं ऐसे, उसी में हम संतोष रहता हूँ। उस सुख के बराबर हमको यहाँ यदि कहीं लेके कोई भक्त हमको घर उनके घर में खीर पूरी हलवा पिरा, उसमें नहीं मिलता है सुख ही नहीं। अच्छा, यहाँ वो स्वाभाविक सुख है, आत्मीय सुख है यहाँ। महाराज जी क्या आपको इस जीवन की कोई सत्य घटना बताओ जिसमें आपको चमत्कार हुआ हो, कोई ऐसा है? कोई जीवन की सत्य घटना बताओ चमत्कारी कोई हुआ? बहुत कुछ ठाकुर जी की कृपा होता है, ये सब बताने की भी विशेष
को नहीं है वैसे सब सब बातें तो, और घटा बताना भी विशेष कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी हम जिस आधार से जहाँ रहते हैं हम बहुत आनंद से, और हम दो ही चीज़ खाने पी संसार में कुछ भी नहीं, ये दो ही चीज़ हमको थोड़ा सा वो होता है, हम बिल्कुल अकेले में रहना को मिले और आवाज़ ना आए बाहर से, तो हमको स्वर बैठ जब भजन हम बैठते हैं हमको स्वर्ग से भी कहीं इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं है, हमको अनुभव होता है इससे सुख कहीं नहीं मिलेगा, हमको इतना सुख मालूम होता है। महाराज जी आपको भारतवर्ष तीनों लोगों का सुख जो है ना, हम सही बता रहे हैं, हम जब बैठते हैं ना गुफा में है छोटी सी गुफा है, जब ठंडी में भीतर बैठते हैं तो इतना भजन में आनंद आता है ना, लाइक ये चिंतन करता हूँ क्या स्वर्ग लोक में इससे ज़्यादा सुख होगा, क्या कहीं से राजा महाराजा के पास तो है ही नहीं है, तो हम जानते ही हैं वो तो बेचारा परेशान है, मान बढ़ाई असन्मान इधर उधर से, पर स्वर्ग लोक में भी नहीं होगा इतना सुख, तो हमको साकेत लोक के कोई नहीं, यही हम साकेत लोक मानता हूँ, यही वैकुंठ हमारे लिए सब कुछ है सब। हाँ तो ये है इतना आनंद है यहाँ, ये आदमी सुख है, बाहरी भौतिक सुख के लिए नहीं, हमारे पास हम कुछ भी नहीं रखते थे, माना हमारे पास मोबाइल किसी से संपर्क करना पे मोबाइल नहीं, अच्छा। कुछ नहीं करना है हमको, केवल संपर्क है हमारा भगवान से, संसार से क्या लेना हमको है, संपर्क हमारा भगवान से तो है ही है, वो तो सुनते हैं सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वतो अचि शिरोमुखम, उनके से सर्वत्र श्रुति में सब सब जगह कान है, सब जगह मुँह सब सुनते हैं हमारे, तो उनके लिए मोबाइल का जरूरत नहीं पड़ता। तो आज अब सद्बुद्धि का और सभी में सद्बुद्धि आई, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारी मनोकामना जी है, सद्बुद्धि आ जाए भगवान का नाम स्मरण करते करते ना, इससे बुद्धि से शुद्ध, उसके अलावा दूसरा कोई भी चीज़ हमने शास्त्रों में अध्ययन करके देखा है ना, दूसरा को हमारी भी यही है, हमने भी पहले बहुत कुछ कर, और दूसरा उपाय कुछ भी नहीं है, एकदम भरोसा राम जी का, और भगवान का नाम में राम जी में कोई अंतर नहीं है, है? तो वही भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास, जैसे कि महाराज जी ने हमें सत्संग में बताई राम नाम में ही है, और जो अनुभूति आनंद त्याग में मिल रहा है, जो एकांत में मिल रहा है, वो बड़े बड़े महलों में मठों में नहीं मिलेगा जो आनंद यहाँ मिलता है, और महाराज जी यहाँ किसी से मधुकरी नहीं करते, कुछ नहीं करते, और जीवों की सेवा भी करते हैं और भजन में भक्ति में रहते हैं। आपको मैंने आज दर्शन करवाए चित्रकूट के संतों के, किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना, फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम, जय सियाराम, जय हनुमान, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं, जय गुरुदेव, मैं सबके काम आ जाऊँ, किसी से कुछ नहीं चाहूँ, पर हित की भावना मेरे माए, बस यही कहता हूँ सभी से। बहुत अच्छा।